खबर कांग्रेसी खेमे से आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हो गया है एहसास इस बात का कि शायद इस्तीफे की यहां पर जिद करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हो सकता है इस बात का एहसास हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे का जाप करने से कुछ नहीं होगा। इस्तीफे का जाप करने से जनता घबराएगी नहीं, जनता डरेगी नहीं, जनता सम्मान नहीं करेगी और कांग्रेस को जनता के बीच खोई हुई जगह वापस नहीं मिलेगी। अगर उसे वापस पाना है तो जरूरी है कुछ अलग करना, जरूरी है जनता की पुकार सुनते हुए पार्टी को एक बार फिर से सही रास्ते पर लाना, और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा फैसला ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़, मैं हूं आपके साथ मेघा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मई को सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश नहीं किया, दरअसल राहुल गांधी ने अपने मन की बात सबके सामने लाकर रख दी और मन की बात यह कह रही थी कि अब मुझे अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना। हालांकि विपक्षी दलों ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, वो कभी भी कांग्रेस की कमान गैर गांधी के हाथों में जाने ही नहीं देंगे। इसके बाद कई दफा पार्टी में कलह की स्थिति उत्पन्न हुई, कई दफा कांग्रेस पार्टी तनाव से होकर गुजरी, मगर राहुल गांधी ने पार्टी के समक्ष आई परेशानियों को सुलझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बार बार यही कहा कि पार्टी से जुड़े फैसले मैं नहीं लूंगा। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच, ऐसे हालातों के बीच राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। 26, 27 और 28 जून के महीने की ये तीन तारीखें कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीन तारीखों को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने घर पर दरअसल मीटिंग बुलाई है। राहुल गांधी यहां अपने घर पर लोगों को बुलाए हैं, कांग्रेसी नेताओं को बुलाए हैं और उनसे मिलकर अब बैठक करने वाले हैं। राहुल गांधी को हो गया है एहसास इस बात का कि उनकी मां सोनिया गांधी कुछ नहीं कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश तक खुद को सीमित कर चुकी हैं। आगे आने वाले समय में देश के कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड उन्हीं में से एक है, तो ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। तो एक महीने के लिए राहुल गांधी इस्तीफे का कीड़ा अपने दिमाग से बाहर निकाल चुके हैं। एक महीने तक राहुल गांधी के इस्तीफे पर किसी तरह की कोई चर्चा कांग्रेसी खेमे में नहीं होगी। 26, 27 और 28 ये तीन दिन लगातार राहुल गांधी अपने आवास पर मीटिंग करने वाले हैं, नेताओं के साथ मिलकर हार की यहां पर किसके नाम का बिल फाड़ा जाए, हार का ये तय करने वाले हैं। और इसके बाद कैसे इन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, कैसे सकारात्मक राजनीति करनी है, उन राज्यों के नेताओं की रणनीति क्या है विधानसभा चुनावों को लेकर, ये तमाम समीक्षाएं राहुल गांधी करेंगे। अब इस्तीफे को लेकर राहुल ने अपना मिजाज किस तरीके से बदला और आगे वो और क्या करने वाले हैं, ये जानकारी आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में। देखिए जरा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कांग्रेसी खेमे से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो अपने इस्तीफे को लेकर लगातार चर्चा में थे, राहुल गांधी जो अपने इस्तीफे के फैसले पर अड़े हुए थे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी ने अपना फैसला बदल दिया है। जी हां, एक महीने तक इस्तीफे पर कोई चर्चा ना करने का ऐलान राहुल गांधी की ओर से हो गया है। ठीक सुन रहे हैं आप, सूत्रों की माने तो राहुल गांधी एक महीने तक अब पार्टी के लिए अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। एक महीने तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनकर पार्टी की कमान संभालेंगे। बता दें आपको, 25 मई को राहुल ने इस्तीफे की पेशकश की। इसके बाद संगठन से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से वो बचते रहे, लेकिन अब आज से तीन चुनावी राज्यों के नेताओं की बैठक राहुल गांधी लेने वाले हैं। अपना इस्तीफे का जो फैसला था राहुल गांधी ने छोड़ दिया है एक महीने के लिए। 26 जून को महाराष्ट्र, 27 को हरियाणा और 28 को दिल्ली के बड़े नेताओं को राहुल ने अपने घर पर बुलाया है। बता दें आपको, राहुल गांधी गुटबाजी में फंसे तीनों प्रदेशों के नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद ही वो तय करेंगे कि इन प्रदेशों में कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं। संबंधित राज्यों में प्रभारी महासचिव भी बैठकों में मौजूद रहेंगे। प्रभारी महासचिव पहले भी चुनाव बाद समीक्षा के लिए कोर कमेटी की बैठक ले चुके हैं, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप से आगे जब बात नहीं बढ़ी, ऐसे में राहुल ने ही बैठक बुलाने का फैसला कर लिया है। दरअसल कांग्रेस ने बीते कल यानी सोमवार को उत्तर प्रदेश में पार्टी की सभी जिला इकाइयां भंग कर इन्हें नए सिरे से गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रदेश में पार्टी विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू को संगठनात्मक फेरबदल का प्रभारी नियुक्त किया गया है और अब राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। एक बार फिर से 3 दिन 26 जून 27 जून और 28 जून महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, जहां आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, इन तीनों ही राज्यों के बड़े नेताओं को अपने आवास पर राहुल गांधी ने बैठक के लिए बुलाया है। इस्तीफे से आगे आखिरकार राहुल गांधी की गाड़ी बढ़ चुकी है और इस वक्त सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी को राहत दे देने वाला राहुल गांधी का फैसला यही है कि जिस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे, जिस अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी लगातार परेशानियों से जूझ रही थी, अब इन परेशानियों से आगे राहुल गांधी पार्टी के लिए बड़ा सहारा बनकर आ गए हैं। पार्टी को सहारा देते हुए राहुल गांधी दिखाई पड़ेंगे। अब देखना होगा आगे आने वाले वक्त में कौन सा बड़ा मोड़ यहां से कांग्रेस पार्टी में आ जाता है।